हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई एक फिर से न्यू ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। और अगर इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन ऐसा नाम लेके आया है कि कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई, उस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू एप्लीकेशन या उस व्यक्ति की ही यहाँ पर जो है उस एक ही कंपनी है। इसीलिए कई लोग इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और इस एप्लीकेशन के बारे में जब अपडेट आया था फर्स्ट टाइम, जब 4-5 महीने पहले, तब मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो शूट करके आपको दिया था। बट इस एप्लीकेशन को वापस रिप्लेस करके अब वापस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर लाया गया है। तो भाई जिस ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस ट्रेडिंग का नाम है LIC ट्रेड एप्लीकेशन। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ भाई कौन सा LIC ट्रेड एप्लीकेशन है। इस तरह का LIC ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। जब हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग के अंदर जब मैं वीडियो लेके आया था, तब उस समय यहाँ पर इसका लोगो भी आपने देखा येलो कलर का था और कुछ अलग था। अभी इसके 10,000 के डाउनलोड्स हुए हैं, 4.4 की स्टार रेटिंग, 48 के आसपास रिव्यू हो चुके हैं। हम बात करेंगे टोटल कि भाई एप्लीकेशन को हमें यूज करना है या नहीं करना है, क्या एप्लीकेशन की रियलिटी है भाई, एप्लीकेशन से विड्रॉल डिपॉजिट क्या प्रॉब्लम आ सकती है, विड्रॉल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट आपको बारे में हर एक ऑप्शन के बारे में बेसिक से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपको बिना इन्फॉर्मेशन के रह जाए। बट एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो आपको कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर जरूर मिल जाएगी। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप लोगों से यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। तो चलते हैं हम यहाँ पर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में और यहां पर ओपन कर लेते हैं LIC ट्रेड को। जैसे हम यहां पर ट्रेडिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अगर मैं बात करूँ रियल अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, कुछ सीख सके। बट आपको मैं बताऊँ, जो रियल अकाउंट के अंदर 10 रुपये दिए जाते हैं उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं होता है, वहाँ पर आपको पैसा ऐड करना ही पड़ेगा। बट जो डेमो अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि उनसे आप प्रैक्टिस कर सके, कुछ सीख सके, और आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब जाएगा या ट्रेड डाउन की ओर जाने वाला है, वो आपको एसिड के थ्रू आपको पता लगता है। बट अगर कई लोग जो चार्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो माउंटेन चार्ट होता है। इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन के तौर पर आपको डिसाइड करना होता है कि अब जाएगा या डाउन जाएगा। बट एक चीज़ बता देता हूँ, भले आप 1 मिनट का प्रिडिक्शन टाइम दे रहे, उसके अंदर आपको यहाँ पर कन्फर्म नहीं होता है। अगर इस ऑप्शन के बजाय अगर आप यहाँ पर कैंडल का ऑप्शन देते तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर बेटर तरीके से आप 30 सेकेंड के अंदर भी प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते थे। और कैंडल के ऑप्शन के अंदर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक भी आप अच्छे से प्रिडिक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं ड्यूरेशन टाइम लगा के, और आप विनिंग भी करते हैं 100%। बट हमें यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि इसे प्रैक्टिस करना ही बेकार होगा, क्योंकि आप जो माउंटेन चार्ट होता है उसके अंदर आप कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि कैंडल की अप ओर जाएगी या डाउन की ओर जाएगी। अभी मैंने अप की ओर लगाया, अप की ओर लगाने के बाद गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 मिनट के टाइम पहले ये कभी भी इतना भी हाई लो कर देगी कि हमारा यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए कोई कन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, इतना हाई जाने के बाद भी लो आ सकता है, तो इसलिए कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बट अगर कैंडल का ऑप्शन होता तो गारंटी के साथ कहता हूँ हम इस तरह से ट्रेडिंग लगाते, 100% विन भी करते। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो इसका मैं यहाँ पर टाइमिंग फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, इसका जो है जिस करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें उसका वैल्यू किस तरह से चल रहा था। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ पता नहीं, आप देखेंगे भाई किस तरह से ड्यूरेशन टाइम रहा, उसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से हमारा यहाँ पर ग्राफ अप और डाउन जा रहा है। एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड्स के बारे में केवल और केवल अभी 3 एसिड अवेलेबल है, कह सकते हैं आज सैटरडे है तो इसलिए बंद है। बाकी कहूँगा कि बेकार एसिड है, 1% भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉफिटेबल एसिड नहीं है, बिल्कुल करेंसी सबसे घटिया करेंसी आप मान सकते हैं, बेकार जाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ एक्टिविटी के बारे में, जिसके अंदर आपको डेली चेकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, 2-2 रुपये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, रैंकिंग आपको मिल जाता है, डिपॉजिट बोनस आपको देखने के लिए मिल जाता है, डील्स होता है कि भाई रियल डेमो अकाउंट के अंदर आपने कितना ट्रेड किया, कितना लॉस किया, ये सारी चीज़ें होती है। माई अकाउंट पर आ जाते हैं, माई अकाउंट पर आने के बाद हम बात कर लेते हैं टोटली भाई क्या सारी यहाँ पर चीज़ें रहने वाली है कि भाई एप्लीकेशन के अंदर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो डिपॉजिट आप 100 रुपये से कर सकते हैं, पेटीएम UPI के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विड्रॉल सेक्शन पर बारे में बात करें तो विड्रॉल सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो विड्रॉल आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई, 200 रुपये आपका विड्रॉल मिनिमम होता है। फर्स्ट लेवल आप यहाँ पर के अंदर होते हैं तो एक टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये मत कहना कि भाई आप सारी चीज़ें बता रहे हो, सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई लोग जो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते हैं जिन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है उनको मैं बेसिक सारी चीज़ें समझा देता हूँ ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है। हर वीडियो के अंदर मेरा रीजन ये होता है समझाने का, बाकी ये ऐसा को नहीं है कि आपको यूज करने के लिए बोलूंगा ऐसा बोलूंगा, वो सारी चीजें लास्ट की होती है मेरी। आपको मैं बता देता हूं कि
जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या हो सकती है। अगर विड्रॉल आप करना चाहते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन को गलती से यूज किया जिनको नहीं पता, तो आपको बैंक डिटेल पर जाके वे फिल करना होगा, उसके बाद विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रांजेक्शन को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि भाई कितना आपने विड्रॉल किया, कितना आपने डिपॉजिट किया, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, सारा रिकॉर्ड होता है। और ये आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर काम आने वाला है 100% और बेसिक तरीके से, क्योंकि जब मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा कस्टमर सपोर्ट से बात करते हुए, क्योंकि आपको जब विड्रॉल या डिपॉजिट की कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी होगी, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये विड्रॉल डिपॉजिट जो भी है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना जो आपको पेंडिंग में पड़ा है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर भाई आप पासवर्ड भूल चुके हैं, पासवर्ड ऐसा लगता है कि भाई हम पासवर्ड भूलना चाहते हैं, तो अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज कर ले और कहीं लिख ले, अगर गलती से भी एप्लीकेशन को यूज किया है तो बता रहा हूँ, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया है, जिन लोगों ने यूज़ किया पासवर्ड भूल चुके, क्लियर बता देता हूँ, याद है तो याद रख लेना, लिख लेना कहीं पर भी, या पासवर्ड चेंज कर लेना। एक बार पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसका मतलब आपका अकाउंट गया, क्योंकि इसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्लियर बता देता हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपकी विड्रॉल डिपॉजिट जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर एडवाइज होगा, वो यहाँ पर फिल करना होगा, अपनी जो प्रॉब्लम्स होगी वो मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आपको पेंसिल का यहाँ पर प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ईमेल वाले पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक डायरेक्ट ईमेल पर आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। ईमेल ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन पर जाकर आपको जो पेंडिंग में पड़ा विड्रॉल है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। वहाँ से स्क्रीनशॉट लेने कंप्लीट लेने के बाद आपको यहाँ पर इनको मेंशन करना अपनी ईमेल से और इनको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, बता देना कि हमें विड्रॉल प्रॉब्लम है, एक दो दिन से विड्रॉल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो जितना मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक दो दिन से, और जिन लोगों का जितना डेज से आपका विड्रॉल नहीं आ रहा वो उस हिसाब से बात करेंगे। तो इस तरह से आपसे बात करनी है, सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक करना है ताकि आपको हिस्ट्री याद रहे। दूसरा, आपको यहाँ पर ईमेल से बात करना होगा ताकि आपको यहाँ पर कम्प्लीटली सब कुछ बता रहे कि हमने बात की और स्क्रीनशॉट इनको शेयर कर दिया। अगर एक बिजनेस डे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए तो ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बेकाता इसके अलावा कंप्लेन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको विड्रॉल जो भी आपके हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर विड्रॉल को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कंप्लेन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब आपकी जो भी आपकी कंप्लेन है, मान लीजिए आपकी जो भी कंप्लेन है कि आपने विड्रॉल किया है, पेंडिंग में पड़ा है, उसे आपने यहाँ पर जो है मेंशन किया है कि हमारा ये विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो विड्रॉल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना फीडबैक डालना है, अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करेंगे। जब ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से बातचीत करेंगे। बट आपको एक ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन में जाके भी आपको यहाँ पर जो है विड्रॉल का स्क्रीनशॉट लेके रखना है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये लोग आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपको 2 से 7 दिनों तक आपको रुकना होगा, क्योंकि विड्रॉल आने में इतना टाइम लग जाता है। बट आपको पहले ही बता देता हूँ, 7-8 दिनों तक वेट नहीं करना, आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना। अगर कंप्लेन से बात नहीं बनती है तो डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट से ईमेल से बात करें, वहाँ से आपकी ज़रूर बात करनी बात बन जाएगी। बट आपको 7-8 दिनों तक बिल्कुल वेट नहीं करना है, क्योंकि ये कंपनी वाले ऐसा ही बोलने वाले हैं। तो इसलिए आपको मैंने तरीका बता दिया, ये तरीका आपको यूज करना है 100%। अब आपको बात कर देते हैं कि भाई एप्लीकेशन को यूज करना है या नहीं करना है। तो एप्लीकेशन के बारे में कहूँ तो भाई मैं एप्लीकेशन आप लोगों को 1% भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन जानते हैं कि रिप्लेस होकर वापस प्ले स्टोर पर आया, कहीं ना कहीं इसके डाउनलोड्स कम है। दूसरी बार डाउनलोड्स अगर बढ़ भी गए तो मैं नहीं कहूँगा कि ट्रस्टेबल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, सबसे घटिया एप्लीकेशन इसको मैं बता सकता हूँ। कुछ ऐसा फीचर नहीं है जिसके बारे में कहूँ कि आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, टोटल ये कहूँगा कि एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज ना करें, कोई ट्रस्टेबल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी यूज करना है या नहीं करना, बट एप्लीकेशन मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।